अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि एक प्रोग्राम है और बहुत इजी सा प्रोग्राम है कि हमने क्या करना है जी, हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है या फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। इस प्रोग्राम में हम दोनों का फार्मूलाज हर चीज़ लिख देंगे, लेकिन यूज़र पर डिपेंड करेगा कि वो क्या चीज़ देखना चाह रहा है, क्या वो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखना चाह रहा है या फिर एरिया ऑफ स्क्वायर देखना चाह रहा है। ठीक है जी, तो इसके हमें फार्मूलाज गिवन हैं। तो अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो जो स्क्वायर का फार्मूला है, मैं इधर लिख देता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इसका फार्मूला है जी साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड उसके बाद स्क्वायर, और इसी तरह जो हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो है जी 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ये हमारे पास दो फार्मूलाज आ गए हैं। तो अब हमें पता है कि जब तक हमें इसकी वैल्यूज़ पता नहीं होंगी, हम इन फार्मूलाज को यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर पहला फार्मूला देखें तो उसमें हमें एक वेरिएबल है साइड के नाम से, उसकी वैल्यू पता हो तो हम उसके आंसर निकाल सकते हैं, बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो वेरिएबल हम ले लेते हैं फ्लोट टाइप में। तो ये देखें जी, फ्लोट टाइप में हम वेरिएबल ले लिया, और पहला हम वेरिएबल ले लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर एस क्यू के नाम से। ठीक है जी, इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है जी, दो वेरिएबल ले लिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसी तरह हमें वैल्यू चाहिए साइड की, तो वो भी हम फ्लोट में ले लेते हैं। फ्लोट एक वेरिएबल है साइड, एक है हमारे पास दूसरी जो फार्मूला, उसमें एक लेंथ है और एक बेस है और एक हाइट है। ठीक है, ये सारे वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिए जो जो यूज़ होने थे। अब हम क्या करने लगे हैं कि हम इसकी वैल्यूज़ ले लेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम यूज़र से पूछेंगे कि क्या वो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना चाहता है या एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना चाहता है। अगर तो वो स्क्वायर का करना चाहता है तो वो एस इनपुट देगा, अगर वो ट्रायंगल का देखना चाह रहा है तो टी एज इनपुट देगा। मींस यहाँ पे हमें अगेन इफ़ लगाना पड़ेगा, इफ़, ठीक है जी, यूज़र इनपुट देगा। ठीक है, तो इफ़ हम तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास वैल्यू हो, तो हमें यहाँ पे पहले वैल्यू लेनी पड़ेगी यूज़र से। तो मतलब एक क्योंकि करेक्टर है, या तो एस दबाएगा या टी दबाएगा, तो उसका मतलब हमें करेक्टर वेरिएबल बी लेना पड़ेगा, और उसका नाम हम सी एच रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी प्रिंट एफ, यहाँ पे लिखते हैं जी एंटर, एंटर यहाँ पे लिखते हैं जी एस और टी। ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग एरिया। ठीक है जी, एक सिंपल सा मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया कि या तो आप एस दबाएं या फिर टी दबाएं, दोनों में से जो भी चीज़ दबाएंगे उसका फार्मूला लगेगा और आंसर आ जाएगा। जैसे एस दबाएंगे तो स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, अगर टी दबाएंगे तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो जो भी वो यूज़र इनपुट देता है वो हम यूज़ कर लेते हैं स्कैन एफ, क्योंकि हमने स्कैन एफ से हम इनपुट ले सकते हैं। तो क्योंकि ये करेक्टर टाइप का, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज सी, और यहाँ पर लिखेंगे एम परसेंट साइन, और वेरिएबल नाम है सी एच। ठीक है जी, इतना हो गया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि यूज़र अगर दबाता है एस तो फिर क्या हो जी, फिर स्क्वायर का फार्मूला हो, अदरवाइज़ क्या हो, टी का फार्मूला हो। तो मैं इसको इधर थोड़ा सा ऊपर यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो मैं लिखता हूँ जी इफ़ सी एच इज़ इक्वल टू हमारे पास एस है, मींस अगर हम यूज़र ने एस दबाया, एस मीन्स स्केयर का वो स्केयर जो है उसका फाइंड करना चाह रहा है। तो अब क्या करें, अब हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं, क्योंकि हमें स्केयर के लिए क्या, कौन सी वैल्यू चाहिए, साइड की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यूज़र से वैल्यू लेंगे, तो इसकी बॉडी में आके हम कहते हैं जी प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम डबल कोट में लिख देते हैं स्लैश एन, ताकि आप जो भी प्रिंट मैसेज हो वो नेक्स्ट लाइन में हो, क्योंकि हमने यहाँ पे भी मैसेज प्रिंट किया हुआ है, मतलब प्रोग्राम सारा एक ही लाइन में आता जाएगा। तो हम चाहते हैं कि अगली लाइन में आउटपुट आए, फिर हम यूज़ करेंगे स्लैश एन, और यहाँ पे लिख देते हैं एंटर वैल्यू ऑफ साइड। ठीक है जी,
ये एक मैसेज प्रिंट किया, उसके बाद हमने यूज़ करते हैं स्कैन एफ यहाँ पे, क्योंकि उसकी टाइप थी फ्लोट और यहाँ पे उसका नाम आ गया किसका, साइड का। तो हमने वेरिएबल लिया हुआ था साइड के नाम से, ये देखें यहाँ पे हम लिख देंगे साइड, क्योंकि हमारे पास साइड की वैल्यू आ गई है। तो अब हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें एक ही वेरिएबल चाहिए साइड, तो स्केयर है तो हम स्केयर का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर फार्मूला आ जाएगा कि एरिया ऑफ स्केयर इज इक्वल टू, ये जो हमने वैल्यू ली है साइड, इसी को इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब साइड का स्केयर आ जाएगा। और यहाँ पे फिर हम इसको प्रिंट भी करवा देंगे, मैं सारी रिमूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ, ये इसको अगेन नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ, एरिया ऑफ स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे परसेंटेज एफ, और यहाँ पे आंसर किस में स्टोर है, एरिया ऑफ स्केयर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ स्केयर, एरिया ऑफ स्केयर, ठीक है जी। ये इफ ख़त्म। मैंने क्या किया, सबसे पहले वैल्यूज डिक्लेयर किए वेरिएबल, उसके बाद मैंने एक सी एच के नाम से करेक्टर टाइप का वेरिएबल था जिसमें मैंने इनपुट ली। अगर तो इनपुट में हमने यूज़र ने दबाया था जी हमारे पास एस, तो हमने क्या किया यूज़र से अगेन वैल्यू ली, क्योंकि हमने जब स्केयर का एरिया फाइंड करना होता है तो हमें साइड की वैल्यू पता होगी तो ही हम फाइंड कर सकते हैं। तो फिर यूज़र से हमें वैल्यू ली साइड की, वो हमने स्टोर करी साइड के अंदर, फिर उसका हमने स्केयर लिया और जो भी आंसर है उसको प्रिंट कर दिया। इसी तरह अगर यूज़र हमारा जो है वो एस नहीं दबाता, मीन्स टी दबाता, उसको ट्राइंगल का जो है वैल्यू चाहिए, एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर चेंज करेंगे, यहाँ पे मैं कर दूंगा टी। ये जो अब मैं कोड लिखने लगा आपने इसके नीचे लिखना है, ठीक है। तो सी एच अगर टी है तो फिर क्या करेगा जी हमें, क्योंकि उसका जो फार्मूला होता है उसमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक होती है बेस, एक चाहिए होती है हाइट, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसका जो फार्मूला था, ये एक रफ वर्क है, ये आपने नहीं लिखा, ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ कि एरिया का फार्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। और देखिए हमें बेस की वैल्यू चाहिए और हाइट की वैल्यू चाहिए, ये दो वैल्यूज़ हमारे पास होंगी तो हम इसका फार्मूला निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करना पड़ेगा, यूज़र से दो वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी, तो एंटर द वैल्यू ऑफ बेस एंड हाइट, ये दो वैल्यूज़ यूज़र से आपने लेनी है, इसलिए हम यूज़ करेंगे स्कैन एफ। यहाँ पर हम लिखेंगे जी परसेंटेज एफ परसेंटेज एफ, क्योंकि इन दोनों की टाइप हमने क्या रखी थी, फ्लोट रखी हुई थी। और यहाँ पे हम इसका नाम लिख देंगे, एक का नाम था बी मीन्स बेस एंड एच मीन्स हाइट, ये दोनों की हमने वैल्यू ले ली। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फार्मूला, फार्मूला क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये आ गया वेरिएबल का नाम। और यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम कर लेंगे प्रिंट प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम लिख देंगे बैकस्लैश एन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू परसेंटेज एफ, और यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है जी। तो अगर यूज़र ने दबाया था एस तो हमने फाइंड कर लिया था एरिया ऑफ स्केयर, अगर यूज़र ने दबा दिया था टी तो हमने यूज़ कर लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल के हमें दो वैल्यूज चाहिए थी वो हमने यूज़र से ली, उसके बाद फार्मूला अप्लाई किया और उसके बाद आंसर प्रिंट कर दिया, ठीक है। इतना सा प्रोग्राम है कि हमने स्टार्ट में यूज़र से पूछना था कि आपको किस चीज़ का फार्मूला चाहिए, अगर तो आपको स्केयर का चाहिए तो आपने एस इनपुट करना है, अगर आपको ट्राइंगल का चाहिए तो टी इनपुट करना है, वो हमने इनपुट ले ली। उसके बाद जैसे ही यूज़र ने अगर तो टी दबाया, ठीक है, तो हमने ट्राइंगल के लिए जो वैल्यूज़ चाहिए थी वो इनपुट ली, फॉर्मल लगाया और साथ ही आंसर प्रिंट कर दिया। इसी तरह अगर हमने स्केयर का एरिया फाइंड करना था तो फिर हमने क्या किया, उसकी जो वैल्यू थी साइड की वो हमने इनपुट ली, उसका फार्मूला अप्लाई किया और साथ ही हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया आंसर। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था जो क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 था, अब हम देखने लगे क्वेश्चन नंबर 9। तो ये भी काफ़ी इजी सा है कि आपको यूज़र कोई भी एक ईयर देगा
उसकी वैल्यू आपने देखनी है, अगर तो वो 4 पे डिवाइड होती है तो आपने कहना है लीप ईयर है, अदरवाइज ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, जैसे अक्सर आता है ना 4 साल के बाद एक ईयर आता है जिसमें फरवरी 29 का होता है, उसका हम बोलते हैं लीप ईयर। तो वो चीज़ हम चेक करने लगे हैं कि ऐसा प्रोग्राम लाएँ कि यूज़र कोई भी वैल्यू इनपुट करे, मीन्स कोई भी ईयर इनपुट करे, वो हमें बता दे कि क्या ये हमारा जो ईयर है ये लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पर लिखा ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। तो अब मैं थोड़ा सा पहले आपको समझा देता हूँ कि बेसिकली काम कैसे करेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2016, ठीक है, देखते हैं क्या ये लीप ईयर था या नहीं था। ठीक है, तो हम करते हैं इसको 4 पे डिवाइड, तो 4 5 द 20 और एक हम ज़ीरो लगाएंगे और 4 4 द यहाँ पे आ जाएगा 16, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है ज़ीरो। तो जब हमें रिमाइंडर ज़ीरो मिल गया हम कहेंगे वो ईयर क्या है, लीप ईयर है। जब हम इसे 4 पे डिवाइड करेंगे कि किसी भी ईयर को और हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो हम कहेंगे ये लीप ईयर है। इसका मतलब 2016 जो था वो लीप ईयर था। अब चेक करते हैं 2018 जो है वो लीप ईयर है या नहीं। तो 2018 उसको 4 पे करते हैं डिवाइड, 4 5 द 20, उसके बाद यहाँ पर ज़ीरो लगाया और 4 4 द 16, तो रिमाइंडर हमारे पास बच गया 2। हमारे पास अगर रिमाइंडर 0 आता तो हम कहते हैं ये लीप ईयर है, क्योंकि ये 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब लीप ईयर नहीं है। यही तो हमने प्रोग्राम में लॉजिक लगानी है कि अगर ईयर हमारा जो है 4 पे डिवाइड होता है तो वो ईयर लीप ईयर होगा, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को चेंज करते हैं। तो हम एक इनपुट लेंगे, इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा जिसमें हम ईयर नाम का, इसमें हम ईयर स्टोर करेंगे। उसके बाद हम पहले प्रिंट करते हैं मैसेज के एंटर एनी ईयर। ठीक है, कोई भी अब वैल्यू दबा दो ईयर की, जैसे 2018 2017 2016 कोई भी वैल्यू दबा दें। उसके बाद हम उसको कर लेंगे स्टोर किसी वेरिएबल में, तो scanf लगाया। यहाँ पे ईयर को हमने स्टोर करना है तो इसकी डेटा टाइप क्या, इंटीजर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे %d। उसके बाद हम %sign यूज़ करेंगे और साथ ही वेरिएबल का नाम, तो यहाँ पे आ जाएगा ईयर। ठीक है जी, वैल्यू आ गई हमारे पास, जो भी वैल्यू यूज़र ने दबाई। अब हमने उसको चेक करना है कि क्या वो जो वैल्यू यूज़र ने दबाई है, मींस जो ईयर है, उसको हम जब करेंगे डिवाइड 4 के साथ और उसका रिमाइंडर अगर तो 0 आता है, मींस जो भी वैल्यू है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और इसका रिमाइंडर 0 आता है, तो हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पर प्रिंट F, यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट लाइन के अंदर आंसर आ जाएगा लीप ईयर। ठीक है जी, ये आंसर आ जाएगा लीप ईयर। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आएगा नॉट आ लीप ईयर। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो क्योंकि अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी इसका मतलब एल्स वाला पार्ट चलेगा, और एल्स में मैं लिख देता हूँ प्रिंट F, यहाँ पे अगेन नेक्स्ट लाइन के अंदर मैं लिख दूंगा नॉट आ लीप ईयर। ठीक है जी, प्रिंट एफ की जो थी ब्रैकेट को क्लोज किया और ये, अब इसको मैं प्रोग्राम को कुछ चला के दिखाता हूँ। सपोज जब हम प्रोग्राम स्टार्ट किया तो एक ईयर वेरिएबल था जिसमें यूज़र से हमने वैल्यू ली, यूज़र ने दबा दिया 2000 दबा दिया। ठीक है, चेक करने के लिए क्या ये लीप ईयर है या नहीं है। तो अब वो चेक करने लगे हैं 4 के साथ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखा हमने 2000, 4 से जब डिवाइड किया 4 5 द 20 और 0 0 लगाया, तो देखें जैसा कि हमारे पास आंसर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा हमारे पास तो इसका मतलब क्या चलेगा, हमारी इफ़ वाली कंडीशन ट्रू होगी कि जो भी ईयर की वैल्यू थी उसका मोड़ लिया हमने 4 के साथ, और अगर तो इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब फिर क्या एग्जीक्यूट होगा, लीप ईयर चलेगा, हमारे पास मैसेज आएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको चेंज करें, यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर दें 2001 कर दें, तो अब हम क्या होगा जी, अब इसकी वैल्यू रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आने वाला, 2001, 4 पे करेंगे तो 4 5 द 20, 0 एक ऊपर वैसे ही आ गया और एक और हम 0 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 0 और रिमाइंडर हमारे पास बचेगा
1 बजेगा, ठीक है, क्योंकि आंसर हमारे पास 0 नहीं आ रहा, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये वाली कंडीशन जो होगी वो फॉल्स हो जाएगी और एल्स वाला पार्ट चल जाएगा और उसमें आंसर आ जाएगा नॉट अ लीप ईयर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जो लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है। तो जस्ट आपने एक कंडीशन लगाई है कि अगर 4 पे वो पूरा पूरा डिवाइड होता है तो लीप ईयर है, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है जी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।